एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना मैंने आप लोगों को देनी थी, इसके लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। अभी पिछले दिनों से एक बहुत सारा भ्रम फैलाया जा रहा था कि शहर के जो एमपी हैं किरण खेर जी, वो चंडीगढ़ में उपस्थित नहीं हैं, लोगों की शहर की सेवा में उन्होंने कोई किसी प्रकार की कोताही बरती है और वो बॉम्बे में हैं। तो ये पूरी जानकारी, क्योंकि कई तरह की चीज़ें आज भी कुछ समाचार पत्रों में कुछ खबरें छपी थी और वैसे भी कई तरह की चीज़ें हवा में घूम रही थी, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, वो आप सब लोगों के माध्यम से मैं चंडीगढ़ की जनता को बताना चाहता हूँ। अभी जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, उसी टाइम से लेके किरण खेर जी पार्लियामेंट के बाद जब चंडीगढ़ आई, तो लगातार वो दिसंबर माह तक, 4 दिसंबर तक वो चंडीगढ़ में अपने घर में उपस्थित थी। इस दौरान पार्टी ने जो भी कार्यक्रम, कोरोना राहत के कार्यक्रम हमने जो सेवा ही संगठन के तहत किए, उसमें मैं समझता हूँ कि शायद कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन संगठन के साथ, मेरे साथ किरण जी लगातार इन टच नहीं थी। पार्टी क्या कर रही है उसके लिए लगातार सहयोग, लगातार मार्गदर्शन जो है वो किरण जी का, हमारे सब पार्टी के ऑफिस बेरर्स का, हमारे पार्टी के सब महत्वपूर्ण लोगों का और सब कार्यकर्ताओं का उसमें सहयोग रहा। और इसी की बदौलत ही हम लोगों ने लॉकडाउन के पीरियड के दौरान 2.5 करोड़ रुपए के राहत के कार्य किए, 2.5 करोड़, जिसमें हमें जो डोनेशंस कैश एंड काइंड सारी तरह की डोनेशंस मिली, वो लोगों के सहयोग से हमने लोगों को राहत के काम किए। मोटे मोटे रूप से वो वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने 52 किचनें चलाई, 52 कम्युनिटी किचन्स चलाई, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने रोज 72,000 से लेकर 75,000 जरूरतमंद लोगों तक खाने के पैकेट पहुँचाए। इसमें मैं एक अंडरलाइन कर दूं, 1.25 लाख पैकेट जो है एडमिनिस्ट्रेशन चंडीगढ़ में रोज बांटती थी, और उसमें अकेला भारतीय जनता पार्टी का जो योगदान था वो 72,000 से लेके 75,000 फूड पैकेट्स का रोज का था। और ये 52 किचनें लगातार लॉकडाउन के पीरियड और उसके कुछ दिनों बाद भी ये लगातार चलती रही। पूरे मास्क की जरूरत थी, चंडीगढ़ में 2,35,000 घर हैं, तो पार्टी ने तय किया कि हम 5 लाख मास्क, हर घर में 2 मास्क, 50 लाख रुपए की लागत से ये कॉटन के मास्क हमने घर घर जाकर बांटे, जहां भी जरूरत थी, चाहे उसमें हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर थे, एमसी के कर्मचारी थे, इवन डोर टू डोर के जो लोग थे, पुलिस के लोग थे, और आम जनता को भी हमने ये जो मास्क है वो 50 लाख रुपये की लागत से ये बांटे। उसके अलावा हमारे कार्यकर्ताओं ने पहले दिन से ही, जब हमें पता लगा कि पीजीआई 32 और 16 में ब्लड की कमी है, भारी कमी थी, और उस वक्त डॉक्टर्स भी इन्फेक्टेड हो रहे थे, हम लोगों ने एक रक्तदान अभियान चलाया पीजीआई के आग्रह पे, और सबसे पहले मैंने खून दान करते हुए 588 लोगों ने उस 70 दिनों के, उसके बाद तो चलता ही रहा, लेकिन वो 70 दिनों के दौरान जब लोग अपने घरों से निकलने से डरते थे, पार्टी के कार्यकर्ता 588 लोगों ने पीजीआई 32 सेक्टर और 16 सेक्टर की पूरे रक्तदान में एक भी कमी नहीं होने दी। इसके अलावा हमने हेल्पलाइन नंबर चलाया, जिसके माध्यम से लोगों की कंप्लेंट, चाहे भोजन देना, चाहे किसी को कोई भी ज़रूरत का सामान उन तक पहुंचाना, ये हेल्पलाइन नंबर भी भारतीय जनता पार्टी ने चलाया। इसके अलावा जितने भी लोग बाहर के प्रदेशों से थे, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की सिक्किम की एक लड़की थी जिसको पंजाब यूनिवर्सिटी से हमने घर पहुंचाया, 20 लद्दाख के मरीज फंसे थे, एयरफोर्स की मदद से हमने उनको एयरलिफ्ट करके उनके घरों में लद्दाख तक पहुंचाया, उत्तराखंड के लोगों को बसों से, जम्मू कश्मीर के लोगों को, श्रीनगर के लोगों को बसों से उनके घरों तक पहुँचाया, सरकार के रेल मंत्रालय की मदद से जो ट्रेनों की व्यवस्था की गई उन लोगों को, बिहार यूपी पूर्वांचल के लोगों को उनके घरों तक पहुँचाने के लिए, और उन सब के लिए चप्पलों की, मास्क की, सूखे राशन की, वो सारी व्यवस्थाएं हमने प्रशासन के साथ मिलके, प्रशासन ने भी किया, हमने भी किया। इसी प्रकार से मैंने जैसे कहा कि
जो हेल्पलाइन नंबर था उसमें हमें बहुत सारे ऐसे, इवन किसी को अडल्ट डाइपर चाहिए, किसी को दवाइयाँ चाहिए, एक पेशेंट में तो 37C की कॉलोनी में हमने 14,000 रुपये तक की मेडिसिन एक सिंगल व्यक्ति को भी प्रोवाइड करवाई। इस तरीके के मैं अगर गिनाऊंगा तो मैं आज, वो वक्त नहीं है, बहुत लंबी लंबे जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा कि 2.5 करोड़ रुपये के राहत कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, उस वक़्त एक एक कार्यकर्ता जो था वो लोगों के बीच में था, जरूरतमंदों के बीच में था। बापूधाम कॉलोनी में जाके सूखे राशन की, जो हमने 18,000 सूखे राशन की किट्स जो है वो एक महीने से लेके 15 दिन का सूखा राशन जो है मोदी किट के नाम से हमने दिया, बापूधाम के लोगों को हमने, पुलिस को प्रोवाइड कराया, मास्क प्रोवाइड कराए, ये सब चीज़ों को किया। लगभग 20,000 के करीब सैनिटाइज़र जो थे, चंडीगढ़ पुलिस की सारी ज़रूरत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सफाई कर्मचारियों की सारी ज़रूरत कॉरपोरेशन ने पूरी की, हमने लगातार उनको जो है, इसी तरीके से पीपी किट थी वो हमने जो है 32 हॉस्पिटल में, 16 हॉस्पिटल में सब किया। सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स का उत्साह बढ़ाने के लिए चंडीगढ़ के 28,000 परिवारों में हमारे कार्यकर्ता गए, और चंडीगढ़ में जो अपने ये जो क्या कर रहा था यार, मैं प्रवासी लोग हैं, हाँ, जो प्रवासी लोग जा रहे थे उनको जूते, चप्पलें, कपड़े, मास्क, चने, वो सब बिस्किट्स, पानी की बोतलें, ये सब प्रोवाइड करेगी। और इसी प्रकार से मैंने कहा कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए नर्सेस डे पे हमने 16 सेक्टर में जाके नर्सेस के साथ उनका उत्साह बढ़ाया, उनको सेलिब्रेट नर्सेस डे किया। उसके बाद हमने 28,000 परिवारों में जाकर जो फ्रंटलाइन वर्कर थे, जिसमें सफाई कर्मचारी थे, जिसमें हमारे बैंक पोस्टल कर्मचारी थे, जिसमें डॉक्टर्स थे, नर्सेस थे, पैरामेडिकल स्टाफ थे, पत्रकार थे, इवन हमने आपके प्रेस काउंसिल में भी जाके जो सैनिटाइज़र, मास्क, ये सब देने का हमने जो है पहल किया, क्योंकि आप लोग भी फ्रंटलाइन वर्कर थे। तो एक कटसी के साथ हमने वो 28,000 सिग्नेचर्स उनका धन्यवाद करने के लिए हमने उनके हेड्स को सौंपे। तो एक मोटा मोटा ये मैंने आपके सामने ये प्ररूप रखा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस घड़ी में वो जो था इस चीज़ में था। लॉकडाउन के पीरियड के दौरान, जैसे मैंने कहा कि किरण जी लगातार पार्टी के संपर्क में थी, वो उनकी एज जो है वो सीनियर सिटीज़न है, मोर देन 65 ईयर्स हैं, बहुत सीवियर उनको है डायबिटिक्स है, डॉक्टरों की एडवाइस की वजह से उनके लिए मना था, लेकिन पार्टी की तरफ से उनके साथ लगातार संपर्क सहयोग बना के रखा गया। हम सब जानते हैं, हम सब ने प्रेस में पढ़ा होगा कि 11 नवंबर को उनकी बाजू में फ्रैक्चर हुआ, उनकी लेफ्ट बाजू जो थी वो टूट गई, उसके दो हिस्से हो गए उस लेफ्ट बाजू के, ये फ्रैक्चर नहीं था, टूट के लटक के वो अलग हो गई थी, और उससे पहले भी एक बार उनको फ्रैक्चर हुआ था। तो वो एकदम से इतना मल्टीपल फ्रैक्चर्स होना, उसकी वजह जानने के लिए जब वो 11 नवंबर को उनका जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे थे उसकी वजह जानने के लिए उनका पैट स्कैन हुआ। जो पैट स्कैन हुआ, उस पैट स्कैन में मल्टीपल माइलोमा नाम की एक जो डिज़ीज़ है उसके बारे में डॉक्टर्स को जो है वो उन्होंने उसका डायग्नोस किया। मल्टीपल माइलोमा, मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ, मल्टीपल के तौर को पता है, MYELOMA, मल्टीपल माइलोमा। ये मल्टीपल माइलोमा की जो बीमारी थी, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप लोग अपने माध्यम से इस चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। इट्स अ सीवियर डिजीज़ और ये आपके बोन मैरो को डिफेक्ट करती है, और अगर आप कहें तो मैं आपको एक इसकी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। मल्टीपल माइलोमा इज अ डिजीज ड्यू टू अबनॉर्मलिटी इन वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड प्लाज्मा सेल्स। द फंक्शन ऑफ हेल्थी प्लाज्मा सेल इज टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट इन्फेक्शंस।
बट इन मल्टीपल माइलोमा द प्लाज्मा सेल स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग इन बोन मैरो रिजल्टिंग इनटू कंप्रोमाइज ऑफ इम्यून सिस्टम एंड मेक्स बोन ब्राइटल रिजल्टिंग इनटू फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स। ये आप मल्टीपल माइलोमा का मैंने आपको थोड़ी सी एक लेमैन लैंग्वेज में जो है वो इसकी बारे में जानकारी दी है। इनके जब ये पेट स्कैन हुआ तो उसमें ये डिटेक्ट हुआ कि इनकी जो बोन्स में जो है ये बीमारी एंटर कर गई है, स्पेशली लेफ्ट आर्म जहाँ पे वो टूट हुई थी और उसके अलावा राइट शोल्डर में। डॉक्टर्स के बाद जब ये सारी ट्रीटमेंट हुई, ये सारा डायग्नोस हुआ तो 4 दिसंबर को उनको एयरलिफ्ट किया गया बॉम्बे में, कोकिलाबेन हॉस्पिटल में उनको एयरलिफ्ट करके ले जाया गया और वहाँ उनका लगातार जो है वो इलाज चल रहा है। अभी जो पहले तो वो काफ़ी देर तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे लेकिन अभी उनको घर भेज दिया गया है। हफ्ते में एक हफ्ता एक रात उनको वहाँ हॉस्पिटल में रहना पड़ता है और एक हफ्ता अगले हफ्ते 2 घंटे के लिए फिर उनको कोई मेडिसन्स जो लगती हैं उनकी डोज डिसाइड होती है डॉक्टर अलग अलग तरीके से, मतलब अल्टरनेटिव वीक में एक रात उनको वहाँ हॉस्पिटल में गुजारनी पड़ती है जो अब मैं आपको वर्तमान की स्थिति बता रहा हूँ, और एक हफ्ता उनको 2 घंटे के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और उनका ये इलाज जो है वो कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल मुंबई में चल रहा है। और आप सबकी जानकारी के लिए कि ये डिज़ीज़ को जो है वो इनिशियल स्टेज पे ये डायग्नोस हो गई थी, इस कारण से वो अभी आउट ऑफ डेंजर हैं। किसी प्रकार से कोई इस तरीके की उनको अभी डॉक्टर्स की जो एडवाइस है कि उनकी जो ट्रीटमेंट है वो सही दिशा में जा रही है, लेकिन लगातार जो है वो ट्रीटमेंट के अंडर उनको उसी हॉस्पिटल में जो है वो इलाज कराना पड़ रहा है। और मैं जो है इस कारण से वो 4 दिसंबर से लेकर आज तक वो बॉम्बे में इलाज करवा रही है और मेरी लगातार उनसे बात हो रही है, पार्टी की गतिविधियों में भी, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से भी वो लगातार जुड़ी हुई हैं। शायद कोई अल्टरनेटिव डे नहीं बीतता होगा जिस दिन पार्टी के लोगों से, कार्यकर्ताओं से, हाईकमान से उनकी बातचीत ना होती हो। ये जानकारी मैंने आपको सिर्फ इस कारण से दी है कि एक बीमार आदमी जिसकी पार्टी जिसकी मार्गदर्शन में जिसके सहयोग से उसकी पार्टी ने इतना बड़ा जो है वो राहत के काम किए और उसके बाद उनको इतने गंभीर बीमारी से गुजरना पड़ा और उस गंभीर बीमारी का वो कोकिलाबेन हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं। अभी एक व्यक्ति को मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में एक जो मेंबर पार्लियामेंट है उसको भी ये राइट है कि जब उसको किसी प्रकार की इस प्रकार की बीमारी हो तो वो अपना इलाज बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में करवाने के लिए कुछ देर के लिए अपने डॉक्टरों के कहने पे अपनी हेल्थ की अपनी जान के लिए वो अपनी ट्रीटमेंट करवा सकता है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है ये जानकारियाँ जो हैं किसी ना किसी रूप में से आप में भी और शहर में भी कुछ लोग, क्योंकि उनकी जहाँ जो ट्रीटमेंट हुई थी वो कोई सारा PGI 32 यहाँ पे सारा चीज़ें डायग्नोस हुई थी, कुछ ना कुछ चीज़ें लोगों को पता थी और सबको इस बात का इलम था कि किरण जी एग्जैक्टली तो मैंने आज आपको जानकारी दी है लेकिन किरण जी किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। इस कारण से मुझे आज ये मजबूरी में ये आप सब लोगों को कि कुछ लोगों ने इस चीज़ की जो है वो ओछी राजनीति इस चीज़ के माध्यम से की है कि कोई व्यक्ति और वो भी शहर का MP दूसरी टर्म का MP जो है वो इतनी गंभीर बीमारी से जूझते हुए अपना इलाज करवा रहे हैं। और ये भी एक मानवता के नाते भी एक किसी व्यक्ति का ये हक है कि वो बीमारी का इलाज करवाए, तो इस कारण से और मेरी कल ही रात उनसे बात हुई थी, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और जल्दी ही उन्होंने मुझे मैसेज भी भेजा है कि अगले जो कुछ महीनों में उनके ट्रीटमेंट जो है वो पूरी तरह से वो ख़त्म होगी और वो सफल रूप से पूरे तरीके से स्वस्थ हो गए फिर से चंडीगढ़ की जो है जनता उसकी सेवा में उपलब्ध होंगी। उतनी देर के लिए मैं आप सबके माध्यम से चंडीगढ़ की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज भी आप देख लें एक भारतीय जनता पार्टी है जिसने अभी जो वैक्सीनेशन का भी जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो जन जागरण के अभियान, हेल्प डेस्क लगाना, लोगों को घरों से लेके आना,
लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना, प्रशासन से लगातार हम टच में हैं कि वैक्सीनेशन लोगों की जो है वो जो चंडीगढ़ में कुछ कमी है, जो कुछ अवेयरनेस की कमी है, जन जागरण की कमी है, उसको पूरा करें। तो मैं आपको कहीं पर भी किसी भी अपना जो फर्ज है, अपनी जो ड्यूटी है, उसमें किसी प्रकार की जो कोताही है वो नहीं हुई है, चाहे वो पार्टी हो चाहे हमारी सांसद हों, लगातार हम लोगों की सेवा में, जो लोगों ने हम पे विश्वास जताया है उसके हम उस पर पूरे तरीके से खरा उतरने का प्रयत्न कर रहे हैं। धन्यवाद सर। एक जहाँ तक मेरी जानकारी है ना, पार्टी के लेवल पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा कोई प्रेस नोट वगैरह कभी रिलीज होना चाहिए था, क्योंकि नगर की सांसद हैं, समझ रहे ना सर? तो वो चीज़ मुझे लगता है कि मतलब रह गई, आपने अवेयर किया लोगों को इधर उधर जानकारी, लेकिन पब्लिकली जो है ना, मतलब पार्टी की तरफ से मेरे ख्याल से कोई रिलीज जारी नहीं हुई है। मैं जैसे लोगों को गलतफहमी नहीं, नहीं वो देखिए कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जो है उसको अपना ये किसी का बीमार होना ये उसकी निजी मजबूरी है और इसका कोई राजनीतिक लाभ, कोई किसी प्रकार से कोई इस तरीके की चीज़, हम ये चाहते थे कि ये उनका निजी मामला है, वो इलाज करवा रही हैं। और लेकिन आज जैसे आपने कहा, हमने पहले कोई इसकी पूरी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी, आज मैं जो आपके सामने जानकारी इसीलिए रख रहा हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो मेरे लिए, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस प्रकार से इसको वो करूं, कि इस प्रकार से राजनीति चमकाने के लिए, ओछी राजनीति करने के लिए वो लोग। और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि बहुत सारे लोगों को और ख़ास करके जो पॉलिटिकल सर्कल में लोग हैं, उन सबको इन विषयों की चाहे पूरी जानकारी ना हो, लेकिन सबको पता था कि वो गंभीर रूप से बीमार हैं और वो अपनी बीमारी का इलाज कोकिलाबेन हॉस्पिटल में कर रही हैं। आज हमने ऑफिशियली, क्योंकि ये कह लीजिए कि एक तरीके से उस राजनीति से आहत होकर, ये जो राजनीति किस प्रकार से ओछी राजनीति हो रही थी, उस राजनीति से आहत होकर मैंने कल किरण जी से बात की थी, तो उनकी सहमति के साथ मैंने आप सबको ये जानकारी दी है कि हम लोग आपको ये बता पाएँ कि किस प्रकार से वो एक, अब मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति की फ्रैक्चर होना तो एक ध्यान में रहता है, बाजू के दो टुकड़े हो जाने, टूट के लटक जाना, उससे पहले भी उनको फ्रैक्चर्स हुए थे और ये परमात्मा की कृपा है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये टाइमली डिटेक्ट हुआ और इसका टाइमली पूरा तरीके से, अच्छे तरीके से इलाज हो रहा है। तो मैं अब भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी और सारे शहर के लोग भी, वो हमारे शहर की MP हैं, उनके स्वास्थ्य की शुभकामना करेंगे और भगवान जो है वो ऐसे लोगों को भी जो इस वक्त पे राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों को भी सद्बुद्धि देगा कि वो इस वक्त पे राजनीति ना कर कर उनकी जो है स्वास्थ्य की जो है वो शुभकामना प्रभु से करें। इतना ही मेरा निवेदन। जैसा आपने कहा कि उनकी आपसे बात होती थी, जैसा आपने कहा कि उनसे आपकी बात होती थी, आपको नहीं लगता कि भले आपसे बात होती थी, जनता से उनका कनेक्शन वीडियो मैसेज के जरिए और भी बहुत सारे माध्यम थे उससे अपनी बात रख सकती थी, पर आपको नहीं लगता कि आपने बहुत ज़्यादा देर कर दी या इस वजह से आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी, क्योंकि 8-7 महीने बाद नगर निगम के चुनाव भी हैं? ऐसा कि इसमें चुनाव का कोई, सबसे पहले तो चुनाव से विषय संबंधित नहीं है और किसी तरीके के, अभी जब मेयर का इलेक्शन भी हुआ था तब भी किरण जी क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट थी, इस कारण से उपस्थित नहीं होते। दूसरी बात आपने जो कही है कि अपना उनका संपर्क जो है, मैंने कहा कि हम लोग हमेशा पार्टी का एक कार्यकर्ता जो है वो इस चीज़ में उपस्थित था और आप सबको भी पता है कि हमारे लोगों ने कितना इस चीज़ को सफ़र किया। मेरे घर में ही मैं 3 बार कोरोना को फेस कर चुका हूँ, इसी कारण से था कि हम फील्ड में उपस्थित थे। और मेरा एक प्रश्न है, बहुत सारे लोग इस शहर के रिस्पॉन्सिबल लोग थे, जो बुज़ुर्ग थे, जो शायद 20-20 साल तक भी शहर को रिप्रजेंट कर चुके थे, 10-10 साल तक मंत्री भी रह चुके थे, आप उसी दौरान उनका योगदान क्या था, जरा इस पर भी प्रश्न चिन्ह कर लें, उन लोगों का क्या योगदान रहा है, किसी पार्टियों का भी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त के राहत के कार्य किए हैं, उसका कोई 1% भी किसी ने किया हो, ये फर्ज सबका बनता है। आज भी वैक्सीनेशन की ड्राइव में, ये कोई BJP की वैक्सीनेशन नहीं है, ये देश के लोगों के लिए एक रक्षा कवच है।
हम लोगों को अवेयर करके कि भाई साहब और दूसरे लोग इसके बारे में जो है नकारात्मक भूमिका लगा रहे हैं, कई तरीके की भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं। तो मैंने आपने जो कहा वो उसकी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ मजबूरियां थी जिनकी वजह से, पर लगातार मैंने जैसे कहा कि हमारे संपर्क में, हमारा मार्गदर्शन में, हमारे सहयोग में उनका जो था वो लगातार लगता रहा, और ऑफिसर से भी वो लगातार इन टच में थी, गवर्नर साहब से लेकर एडवाइज़र साहब, प्रशासन के सब लोगों से जब भी कोई मुद्दा आया वो सब चीज़ों के विषय में उन्होंने जो उन परिस्थितियों में हॉस्पिटल में रहते हुए या कोरोना लॉकडाउन पे अपने घर पे रहते हुए जो जिस प्रकार से वो जिम्मेवारी निभा सकती थी वो जिम्मेवारियां उन्होंने पूरी 100% पूरी 100% निभाई हैं। और इस कारण से मैं तो उनका धन्यवाद करूँगा कि अभी भी हर विषय पे जब मेरे से बातचीत होती है तो एक एक विषय पे, शहर के एक एक विषय पे वो गंभीरता से लेते हुए चर्चा करती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं। आपको नहीं लगता है कि आज आपने कहा कि वो एकदम स्वस्थ हैं तो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़ के लोगों से सीधे बात कर सकते थे? नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कल कुछ पत्रकार मित्रों ने भी उनसे बात की थी, उन्होंने आप भी अगर फ़ोन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मैं जिस तरीके के उनको ये जो मेडिसन्स होती हैं, मैं अब इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन नहीं तो वो लफ्ज़ कुछ और निकल जाएगा। आपको मैंने डिजीज़ जो डायग्नोस हुई है उसका नाम बताया, उस डिजीज़ में जो ट्रीटमेंट होती है वो लगातार चलती है, आपको लगातार तरह तरह की ड्रग्स जो हैं वो आपको इंजेक्ट की जाती हैं, और उसके कई तरह के बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो बॉडी पे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो उस तरीके के कारण से आदमी को बहुत सारी चीज़ों में वो गंभीर हालतों में गुजरना पड़ता है। आप मेरे ख्याल जब इस चीज़ के बारे में सर्च करेंगे तो आपको ये विषय ध्यान में आ जाएगा कि एक व्यक्ति जो ट्रीटमेंट कर रहा है, हम कई बार छोटा सा बुखार भी होता है तो हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, लेकिन वो एक बहुत गंभीर बीमारी के साथ जूझ रहे थे। अभी परमात्मा की दृष्टि से मैंने कहा कि टाइम पे वो डायग्नोज हो गया और उनका बेहतर इलाज जो है वो चल रहा है, और जल्दी ही मैं तो उम्मीद करूँगा कि अगले 3-4 महीने में वो जो है वो स्वस्थ हो के चंडीगढ़ की सेवा में फिर से लौटेंगी। लेकिन हो सकता है उससे परमात्मा ना करे एक आधा कोई और समय भी लग जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक इंसानियत के नाते, मानवता के नाते, और शायद चंडीगढ़ की जनता इस बात को समझती है कि किसी व्यक्ति को भी अपनी जो है बीमारी है उसके इलाज कराने का हक है, इस कारण से इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। साहब आपके बात से तो शायद सहमति हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से किरण खेर जब एक चिट्ठी लिखती है कि एक अधिकारी को एक्सटेंशन मिले, पूरी दुनिया जान जाती है, लेकिन जनता के लिए वो क्या कर रही किसी को पता नहीं। आपके संगठन को जानकारी है कि वो बीमार है, जो मेमोरेंडम देने गए उससे पहले जो मेमोरेंडम देकर आए हैं समस्याओं पर, उस पर इन्वॉल्वमेंट रही है। हाँ जी, तो वो जनता के लिए क्या कर रही है ये जनता को ही पता नहीं। दूसरी बात, आपने बहुत आपको सफाई देनी पड़ रही है एक एमपी को लेकर। मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूं जी, मैं कोई आपको जानकारी दे रहा हूं। आप इसको किस तरीके से समझते हैं, मैं जो आपको एक जानकारी, पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मेरे शहर की, मेरी पार्टी की वो एमपी हैं, कुछ भ्रांतियां खड़ी की जा रही थी, कुछ चीज़ों के बारे में ऊंची राजनीति हो रही थी, इस कारण से मैं ये मजबूरी में मैंने कहा, उस चीज़ से आहत होकर हमने ये जानकारी दी है। मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं, मेरे एमपी जो हैं, मैंने आपको ये मजबूरी में उस राजनीति से आहत होते हुए ये जानकारी आपको दी है, आपके माध्यम से जनता को दी है कि आप लोग जो है वो उसका जो है अब निर्णय कीजिए कि इन हालात में जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको उस बीमारी का नाम तक बताया कि आप वो व्यक्ति किस तरीके से वो जो उसका बिहेव हो सकता है, उसमें मैंने कहा कि आप जैसे आपने कहा पत्र लिखा या कुछ, और मैंने कहा लगातार वो इन टच में थी, उनको जब लगता था, जब फ्लाईओवर का मामला और इश्यूज थे, अभी हमने एक मांग पत्र, हम गवर्नर साहब से मिलने गए थे, हमने शहर की, जब मैं प्रेसिडेंट बना था 17 जनवरी को, तो मैंने कुछ कमेटियां बनाई थी पार्टी की, हर विषय पे हमने लोगों के साथ, RW के साथ, संबंधित लोगों के साथ हमने उसका गहन अध्ययन किया, स्टडी किया, समस्या को समझा और उसके समाधान दिए। कुछ दिन पहले हमने गवर्नर साहब से मिलकर जो है वो सारी विषयों के बारे में रखा है और उसके समाधान भी बताए हैं कि किस प्रकार से ये चीज़ों का, उस सारे इशू में किरण जी की लगातार इन्वॉल्वमेंट थी, वो कष्ट में होते हुए भी लगातार जब भी वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस की जब वजह से जो दवाइयों के उससे वो थोड़ा सा भी उनको राहत होती थी, वो मेरे में रहती थी, पार्टी के लोगों के साथ संपर्क में रहती थी। अभी भी आप लोग
मैं आपको कोई समय भी बता दूंगा कि जिस वक्त वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करें, आप लोग चाहें तो उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। एक पानी का मसला है, ये तो आपने तो पानी के मसले में से आपने पास कर इसका बिल बनने चाहिए, मिस्टर साहब ने नोट भी भेजा नहीं, बढ़ने चाहिए, तो आप क्या समझते हैं किसकी बात मानी जाएगी? सर आपको हाउस की सदन की मीटिंग में, क्योंकि मैं भी काउंसलर हूं, हमने जो पास किया था, जो हमने फरवरी में जो टैरिफ पास किया था, उसके बाद कोविड जो लगने लॉकडाउन लगने के कारण से, सारी चीज़ें होने के कारण से, जब नोटिफिकेशन नवंबर में हुई तो उसमें कुछ जो दरें थी वो गलत रूप से नोटिफाई हुई, हम तुरंत मिले थे। और उसके बाद सितंबर की मीटिंग में हमने फिर से जो है नवंबर की मीटिंग में हमने फिर से उसको रिवाइज़ किया, पास किया, और अब हमने फिर से उसको पास करके सारी दरें जो हैं वो कहीं पे भी 50% से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है, और वो भी तब होगा जब ये कोरोना महामारी जो है वो ख़त्म होगी। हमने जो विषय है वो सारा करके उसके पीछे लॉजिक दे के गवर्नर कमिश्नर साहब ने अगर बताया, तो मैंने भी ये उनको गवर्नर साहब को ये बात सबमिट की है कि सिर्फ 11 करोड़ रुपए का जो है वो जो टैरिफ्स नोटिफाई हुए हैं, और जो हमने टैरिफ जो पास किए हैं उनमें सिर्फ 11 करोड़ का रेवेन्यू का फ़र्क है। और अगर आप कोरोना पीरियड का एक साल का भी वक्त लेते हैं तो उससे 25-30 करोड़ से ज़्यादा जो है, और इसमें 200 करोड़ रुपए का जो वो गैप था रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में। हमने सबमिशन की थी कि आप वन गो में नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे ग्रेजुअली। और मैं इसकी भी, मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ, जब वो बायकॉट करते रहे, जब हमने कम भी किए तब भी वो हमारे साथ नहीं, वो हमने बहुमत से पास किए, मेजोरिटी के साथ नहीं पास किए, तब भी जो है ये चीज़ें जब हमने की हैं उसके लिए, आज भी देखिए किसी प्रकार की पॉजिटिव चीज़ आप प्रशासन से मिले, आप कहीं मिले, आपने कॉरपोरेशन के सदन में चर्चा की नहीं की, आपने सिर्फ उस चीज़ की राजनीति की, बायकॉट किए, धरने दिए, लोगों के घरों का घेराव किया, इसके अलावा आपने जाके बातचीत करके उसका समाधान करने का लीन किया। और भारतीय जनता पार्टी ने उनके विश्वास को भी रखा, वो हमारे घरों में आ रहे थे कि बीजेपी के काउंसलर इसको कराएं, तो मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि ये काम बीजेपी ही करा सकती है, और बीजेपी ने कर दिया। जब बढ़ेंगे तब बात करेंगे जी। सर मेरा प्रशासन कोई मेरे कंट्रोल में नहीं है, प्रशासन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। मेरा काम है एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते, एक रूलिंग पार्टी के नाते, प्रशासन तक वो बात रखनी और प्रशासन को उसके पीछे लॉजिक देने कि ये चीज़ इस तरीके से होनी चाहिए। वो हमने बड़े अच्छे ढंग से लगभग 2 घंटे मीटिंग में हमने गवर्नर साहब को, एडवाइज़र साहब को, सबको सबमिट किया। और जो जो भी चीज़ें, अभी जैसे मैंने कम्युनिटी सेंटर्स के रेट बढ़ गए थे, 10% हर साल इंक्रीज़ होती थी, लेकिन वो जो रेट इस प्रकार अब बहुत बढ़ गए थे, वो इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। अगली सदन मीटिंग में हम कम्युनिटी सेंटरों के जो हैं वो जो रेट हैं वो कम करने जा रहे हैं। और इसी प्रकार से और भी जो राहत जनता को मिलनी चाहिए, हमारी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को, देश के 80 करोड़ लोगों को देश के प्रधानमंत्री ने 8 महीने का राशन दिया, और भी कई राहत की काम की हैं। उसी प्रकार से चंडीगढ़ में भी ये सब चीज़ें हम लोग जो हैं वो करेंगे, जनता पर किसी प्रकार से भी कोई बोझ ना पड़े इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। प्रशासन आपके कंट्रोल में नहीं है, और एक जनप्रतिनिधि के नाते आप तो प्रशासन तक अपनी बहुत करते हैं, जितना कोई डिमांड आप देते आए हैं या नगर निगम ने जो कुछ पास करके भेजा है, अगर प्रशासन नहीं मानता तो क्या बीजेपी एजिटेशन करेगी प्रशासन के खिलाफ? मुझे लगता है कि ना मानने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पलें दे देता हूँ। हमने जो मुद्दे किए वो मैं सारी प्रेस को आपको दी चुका हूँ, मैं उसकी डिटेल अभी डिस्कस नहीं करूँगा। मैं एक वैसे बताता हूँ कि समाधान, आप अभी किसी ने ये भी मतलब, चलो मैं उनकी बातों पे नहीं जाता, अरुण सूद 2 महीने कोरोना के कारण से गायब रहे, मेरे ख्याल शायद आप में से कोई मित्र ऐसा नहीं होगा जिसको मैं रोज़ ना बात करता हूँ, और ऐसे आरोप जो मर्जी लगा देने। लगातार हम लोगों ने, जैसे मैंने कहा कि मैं तो खुद 3 बार मेरे घर में कोरोना आया, और 80 साल के पेरेंट्स होते हुए भी मैंने ये जो है 80-85 साल के मैंने अपनी सेवा में कभी कोताही नहीं की। और अभी जो बात आपने कही कि हमने प्रशासन को जो सारी चीज़ें दी और भी मांगे,
अभी कल जो मनी 48 मोटर मार्केट में हमने लॉजिकली उनको बताया कि आप जो उनके खड़े हैं आप उनको इंक्रोचमेंट के लिए आए हो, जो बाहर पड़ा है मार्केट के बाहर या पब्लिक प्लेसेस पे आप उनको हटा सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने खरीद रखा है प्रशासन से उसके लिए वो आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट में वो शेड्स की अप्रूवल के लिए भी गया हुआ है, आप वहाँ से नहीं हटा सकते, हमने हटने नहीं दिया। मनी माजरा के मोटर मैकेनिकों को हमने राहत दी। इस प्रकार से मेरे पास रोज, मैं यहाँ ऑफिस में बैठता हूँ 4 बजे, कम से कम रोज 4-5 डेलीगेशंस जो आ रहे हैं वो लगातार हम उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। शहर की कोई एक भी समस्या नहीं है जिस पे बीजेपी ने उस समस्या को ना समझा हो, उसके बारे में स्टडी ना किया और प्रशासन को उसका समाधान ना दिया हो। प्रशासन क्यों नहीं मानेगा हमारी, जब हम चाहते, प्रशासन को सबकी माननी चाहिए, जायज बात को मानना चाहिए। इसमें कोई हमारा कोई किसी प्रकार से हम प्रशासन के अधिकारियों के पास अपना अपनी बात को रखते हैं, उसमें जो भी जनता के हक में चंडीगढ़ में होता है प्रशासन उसको मानता है। लेकिन सर वो तो कहते हैं कि आप ही लोग पहले गए थे कि अगर हम बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू हमारा इतना बढ़ेगा, और फिर वो कह रहे हैं कि पहले उन्होंने सर्वसम्मति से पास करके बढ़ाया और अब वो वापस करने को आ रहे हैं। मैं मानता हूँ, मैंने हाउस की सदन की मीटिंग में कहा था दिसंबर 2019 को जो टैरिफ बढ़े थे उसकी वजह, जब वो सदन में एजेंडा ऑफिसर्स द्वारा लाया गया था, वो ऑफिशियल एजेंडे पे चर्चा नहीं होने दी, वहाँ घमासान किया गया और बायकॉट के कारण से वो पास कर दिया गया बिना देखे हमने उसमें। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैंने सदन की मीटिंग में कहा था, उन्होंने कहा आप यू टर्न कर रहे हो, मैंने कहा चंडीगढ़ की जनता के विषय में अरुण सूद को एक बार नहीं 100 बार टर्न करना पड़ा, यू टर्न करना पड़ेगा, मैं करूँगा। हमने 30% जो सेस है ये, तब 2018 में 30% सीवर सेस लगाया गया था पानी पे, मैंने वो रेजोल्यूशन हाउस के सामने रखा था कि ये सर्वसम्मति से कांग्रेस की भी सहमति थी, लेकिन उसको कम करने के लिए अब हमने 30% से 5% जो है वो रिकमेंड किया। लेकिन आपकी गलती से लोग अभी पैसा चुका तो रहे ही हैं। सारा पैसा जो भी गया, जब इसके रेट्स रिवाइज होंगे लोगों का ये पैसा एडजस्ट होगा। एडजस्ट होगा आप ये कह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल होगा। ये मैं आज भी कह रहा हूँ, पार्किंग जब तक पार्किंग में सारी सुविधाएं नहीं होंगी तब तक वो सारी जो चीजें हैं उसके विषय में जो है, जब तक वो सारी फैसिलिटीज नहीं होंगी रेट रिवाइज नहीं होंगे। सर वो तो हो रहा है, प्रशासन ने बोला था कि काउ सेक्स कुछ मिलेगा और वो सभी गौशाला को डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो अभी तक सर कितना इकट्ठा हुआ और अभी तक डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं? लगभग 18 करोड़ के करीब जो है वो काउ सेस जो है वो आया है, काउ सेस जो है वो काउ वेलफेयर ऑफ द काउस कैटल्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अभी गौशाला एक रायपुर खुर्द में बनने, रायपुर कला में बरसाना की तर्ज पे एक गौशाला बनने जा रही है, ये सारा पैसा जो है वो सारा इन्हीं चीज़ों पे। और पार्टी ने अभी एक, इस बार जो हमारी सब कमेटीज़ बनती हैं कॉरपोरेशन में, उसमें हमने जो है वो जो सब कमेटीज है एक वो काओ प्रोटेक्शन की भी सब कमेटी बनाने को कहा है, और पार्टी ने, मैंने एडवाइजरी काउंसिल में भी जो एडमिनिस्ट्रेटर की एडवाइजरी काउंसिल है, और अभी गवर्नर साहब से जब मिले, गो रक्षा बोर्ड बनाया जाए ताकि इस पैसे को सही यूटिलाइजेशन हो सके, स्ट्रे कैटल्स स्पेशली स्ट्रे एनिमल्स में स्ट्रे कैटल्स उनकी वेलफेयर, उनका संवर्धन, उनका संरक्षण हो सके, इसके लिए इस काओ सेस को इस्तेमाल किया जाएगा। सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जरा एक चाय के कप पे आप सभी इनवाइटेड हैं।